तो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मिले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बातचीत के क्वेश्चन को कैसे करें। तो स्टूडेंट, बता दूं कि अगर अभी तक आपने बातचीत के तीनों पार्ट की वीडियो नहीं देखे, यानी कि बातचीत पार्ट वन, बातचीत पार्ट टू और बातचीत पार्ट थ्री, तो थोड़ा सा समय निकालिए और उस वीडियो को पूरा देख के आइए, नोट्स बनाइए और जितना आपको समझ में आता है लेकिन वीडियो पूरा देखिए और यहाँ पे आइए कि बातचीत के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन न छूटेंगे और एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना होगा। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन का तरीका, आइए समझते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट सोच रहा था कि कौन सा क्वेश्चन कराऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना CBSE ने जो क्वेश्चन दिया है 2021 सैम्पल पेपर में, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, जो भी कहें आप, लॉन्च होता है वेबसाइट पर, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसमें स्टूडेंट सैंपल पेपर में चौथा क्वेश्चन मुझे दिखा वाचस्य, तो मैं समझ गया कि वाचस्य लिखा मतलब ये वाच्य का क्वेश्चन है। और जहाँ भी आपको ये सब त्वा त्वम पठामी पठ्यति ये सब वाचस्य लिखा, तो समझ जाइएगा कि ये वाच्य का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है कि तीन क्वेश्चन को ही करना है, तो आपको जो भी तीन आए उसको करिएगा। मैं तो यहाँ पे आपको चारों क्वेश्चन का आंसर दूंगा और बताऊंगा। तो स्टूडेंट, वाच्य के क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सबसे पहला हमें क्या काम करना चाहिए कि हमें पहले पता करना चाहिए कि ये जो वाच्य हमको दिया गया है ये कर्तृवाच्य है या ये कर्मवाच्य है, क्योंकि दो ही वाच्य आपको बोर्ड में दिखने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग इस बात को तय कर लेंगे सबसे पहले, उसी के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे कि क्या इसमें आंसर होना चाहिए। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पकड़ने का सारा नियम हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया, लेकिन चलिए अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन को, आदित्य अभिनव किम क्रीडन्तुम गच्छति, तो डैश बीच में है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अभिनव के बारे में कहा जा रहा है, मतलब एक अभिनव है जो प्रथमा विभक्ति होगा। सिंपल किसी, मैं कहूँ राहुल ने होमवर्क किया, विकास ने होमवर्क किया, तो ये एक पर्सन फर्स्ट पर्सन को मैं कह रहा हूँ। और तो इस बात से हमें पता चला कि ये कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे करने वाला काम को कौन है, अभिनव है, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता, प्रथमा विभक्ति में कर्तृवाच्य है। उसके बाद स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि अंतिम में जो है गच्छति लगा हुआ है, तो ये जो धातु रूप हमने आपको याद करवाया था, ये जो धातु रूप मैंने आपको नोट्स भी बना के दे दिया था इस धातु रूप का, तो इसमें स्टूडेंट मैंने बताया था कि इसी से हम लोग पकड़ सकते हैं, इससे भी पकड़ सकते हैं कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है। देखिए, कर्तृवाच्य में गम धातु में गच्छति होता है और इसमें गच्छति भी इसी में चलता है, और कर्मवाच्य में गम्यते होता है। अब देखिए, गच्छति है तो इससे भी पकड़ा गया कि ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट, कर्तृवाच्य है अभिनव किम, अब ये डैश है क्रीडन्तुम गच्छति। अब आपको मान लीजिए इसका मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं है, क्रीडन्तु से तो आपको तो थोड़ा थोड़ा फर्क बुझा रहा है ना कि खेलने की बात हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आदित्य अभिनव को कह रहा है कि मतलब क्या तुम नहीं खेलते हो या खेलते हो, इसी टाइप से कुछ। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, मतलब तुम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो तुम का प्रयोग हो रहा है कर्ता के लिए, करने वाले के लिए, तो ये कर्तृवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में रहता है, प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो आपको स्टूडेंट जब ये नोट्स आपको याद रहेगा कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, त्वम होता है, कर्ता तुम का प्रथमा विभक्ति में त्वम होता है, और ये त्वम ऐसे नहीं लिखा गया स्टूडेंट, त्व यहाँ पे अनुस्वार दिया रहेगा लेकिन यहाँ पे म हलंत, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्वम, ठीक। तो यही, और ये प्रथमा विभक्ति में है, और इसका स्टूडेंट तृतीय विभक्ति क्या होता है, वो होता है त्वा, और अहम का मतलब होता है मैं, तो अहम का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, तो अहम मतलब होता है मैं, तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है मैं का, क्यों लेना देना नहीं है स्टूडेंट जान लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर मैं कह रहा हूँ राहुल आपने, राहुल तुमने होमवर्क किया, तो मैं जब भी किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या अभिनव तुम, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम जाते हो, तो तुम का ही प्रयोग करूंगा, मैं का प्रयोग नहीं करूंगा कि राहुल मैंने होमवर्क किया, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, विकास तुमने होमवर्क किया, ऐसा मैं कहूंगा, क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है स्टूडेंट। तो अहम तो पहले ही कट जाएगा। अब हमें तय करना है कि हमारे पास जो दो चीज़ बचे हैं, त्वा बचा है कि और त्वम बचा है, तो इसमें हम कौन सा चीज़ का प्रयोग करेंगे।
तो डेफिनेटली यहाँ पे कर्तृवाच है, तो कर्तृवाच में हमेशा कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, त्वम, त्वम का प्रयोग करेंगे। तो त्वम स्टूडेंट ऐसे भी लिखा था ये बिंदु, और यही इसी बिंदु को आप त्व और बिंदु को म ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे स्टूडेंट, तो पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो स्टूडेंट घबराइए नहीं, चारों क्वेश्चन को कीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी है, अभिनव न माया तू स्वपाठा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले ही बताया संस्कृत में स्कोर करने के लिए कोई संस्कृत का 30 मार्क खान नहीं बनना है, इंग्लिश में स्कोर करने के लिए कोई इंग्लिश का हमको लंदन वाला अंग्रेज नहीं बनना है, बहुत सिंपल होता है। अभिनव न माया तू स्वपाठ, अब यहाँ स्टूडेंट हम पकड़ लिए माया, माया पकड़ लिए, अब माया मतलब होता है मैं, तो प्रथमा विभक्ति में एक बात मैं बता दूँ स्टूडेंट, प्रथमा विभक्ति में अहम होता है और तृतीया विभक्ति में माया होता है, तो यहाँ पे माया दिया हुआ है मतलब तृतीया विभक्ति का बात हो रहा है, और अहम माया तुम ये सब करता होता है, करने वाला होता है। मैंने कहा कि राहुल तुमने होमवर्क किया, तो मैं राहुल को कह रहा हूँ, राहुल करता है, ठीक है। तुम मैं कहूँ कि प्रो बैच के सभी स्टूडेंट ने होमवर्क किया, तो मैं सभी का जो प्रयोग कर रहा हूँ वो किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, आप सभी के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ आप लोग बहुत लोग हो गए तो आप थर्ड पर्सन हो गए, तो उसी तरह स्टूडेंट माया जो है ये तृतीया विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति कर्ता के जगह यूज हो रहा है माया, हम यहीं पे समझ गए कि ये कर्तृवाच नहीं, ये कर्मवाच का एग्जाम्पल है, क्योंकि कर्मवाच में ही कर्ता तृतीया विभक्ति में यूज होता है, यहाँ से हम समझिए। अब देखिए स्टूडेंट तीन धातु रूप आपको दिए हुए, इसमें से क्या लगाना है, तो जब आप यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे इस नोट्स को पढ़ेंगे, तो पहला ही नोट्स है देखिए, पठ धातु में कर्तृवाच में पठती रहेगा और कर्मवाच में पठ्यते रहेगा, तो कर्तृवाच में पठती, कर्मवाच में पठ्यते। अब देखिए आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, तो पठामी तो पहले ही आप कैंसिल कर दीजिए, पठ्यसे तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए माया से हम पकड़ लिए, क्योंकि माया का यहाँ यूज हुआ है, ध्यान से देखिएगा माया के यूज हुआ है, माया तृतीया विभक्ति में होता है, माया तृतीया विभक्ति में होता है, ये तो कर्ता का परिवर्तन अलग चीज़ है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है कि प्रथमा विभक्ति में अहम होगा, माया तृतीया विभक्ति में माया होगा, तो हम माया जैसे यहाँ पे माया इसमें सुने बस हम समझ गए कि तृतीया विभक्ति में ये कर्मवाच का एग्जाम्पल है, तो कर्मवाच में पठ धातु क्या चीज़ में होगा, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, तो पठ्यते पठामी पठ्यसे सब का मतलब पढ़ना है, का ही कार्य होता है, तो कर्मवाच का धातु रूप होता है क्या, पठ्यते, बस हम पकड़ लेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन क मार देंगे, पठ्यते, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे आदित्य शोभनम त्वम, यहाँ पे त्वम पहली तुम कह रहा है, त्वम तो बहुत सिंपल है, त्वम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निबंधनम हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह स्टूडेंट देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, अभिनव न डैश तू गणित से अभ्यास क्रियते, मतलब तुम कर रहे हो गणित का अभ्यास, तो अब देखिए कितना और ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे त्वा अहम माया क्या लगाएंगे, तो पकड़िए ना स्टूडेंट पहले कि ये कौन सा वाच्य का एग्जाम्पल है, तो देखिएगा अंतिम में क्रियते लगा हुआ है, तो जब आप इस धातु रूप को याद कीजिएगा स्टूडेंट, इस धातु रूप को याद कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रुकिए ध्यान से एक मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट, जब देखिएगा स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट हम लोग पकड़ लिए अंतिम में क्रियते, देखिए वाच में स्मार्टनेस से होगा, नहीं तो आपको 35 वीडियो करने पड़ेंगे स्टूडेंट पूरा वाच में एकदम हीरो बनने के लिए, लेकिन हमको करने का क्या जरूरत है जब हम लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब देखिए अंतिम में जब पढ़ेंगे आप क्रियते, ध्यान से देखिएगा क्रियते, जब आपने पढ़ा क्रियते, कुछ पहले ये क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट कि ये कौन सा वाच्य का एग्जाम्पल है, तो क्रियते जब हमने पढ़ा यहाँ पे, तो जब हम धातु रूप स्टूडेंट याद करेंगे धातु रूप, तो हम लोग जब यहाँ पे धातु याद किए रहेंगे कि क्रि धातु में कर्तृवाच में करोति होता है और कर्मवाच में क्रियते होता है, अगर स्टूडेंट ये कर्तृवाच का एग्जाम्पल रहता ना तो यहाँ पे करोति रहता, क्रियते नहीं रहता, तो क्रियते लगा हुआ है मतलब काम धातु में, मतलब काम करने में ही धातु रूप लगता है, तो क्रियते लगा हुआ, तो हम समझ गए कि ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, कर्मवाच का एग्जाम्पल है, तो कर्मवाच में यहाँ कर्ता हमसे पूछ रहा है, कर्ता
पूछ रहा है कि कर्ता, सब में कर्ता ही का अर्थ पूछता है, यहाँ पे अर्थ धातु का अर्थ पूछ दिया, लेकिन आपको कर्ता वाला क्वेश्चन मिलता है, समझे। तो यहाँ पे आप पता कर लीजिए कि अब कर्ता कर्मवाच्य में किस विभक्ति में रहता है। तो आप कहेंगे कि सर कर्ता जो है वो कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में रहता है, ठीक है स्टूडेंट, तृतीया विभक्ति में रहता है। अब पता कीजिए इस तीनों में से तृतीया विभक्ति क्या है। अब देखिए सबसे पहले मैं त्वा का पता करता हूँ, ठीक है, त्वा का मैं यहाँ पे पता करता हूँ। तो त्वा क्या है, तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन क हमारे नज़र में आ रहा है। और दो को चेक कर लीजिए, अहम आप देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में, तो इसको तो काट ही के चलिए। उसके बाद आप स्टूडेंट मया देखेंगे तो मया भी तृतीया विभक्ति में होता है, जैसे अहम का ही मया होता है तृतीया विभक्ति में, तो मया जो है ग ऑप्शन ये हमारे पास सही है। तो अब दो ऑप्शन हमारे पास आ गए कि सही है, तो दो में से हम लोग किसको फिलअप करें, त्वा को फिलअप करें कि मया को फिलअप करें, सॉरी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ से एक बार इस क्वेश्चन पे जोर देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू आपको फिर से देता हूँ। क्रियते यहाँ पे लिखा हुआ, इससे हम लोगों ने पकड़ लिया कि ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कर्ता का हमें प्रयोग करना है, तो इस बात से हमें पता चला कि सर कर्मवाच्य में कर्ता तो तृतीया विभक्ति में रहता है। तो जब मैंने आपको स्टूडेंट ये याद करने के लिए दिया था, तो ये देखिए अहम का मया, तो अहम प्रथमा विभक्ति में होता है और तृतीया विभक्ति में अहम मया हो जाता है, वयम प्रथमा विभक्ति में रहता है, तृतीया विभक्ति में अस्मा भी हो जाता है। तो आप जब स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे तो आपने पता कर लिया कि ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे तो तृतीया विभक्ति होगा, तो अहम प्रथमा विभक्ति है, तो इसको तो हम पहले काट के चलेंगे, ख ऑप्शन तो होना ही नहीं है, ख ऑप्शन तो होना ही नहीं है। और अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये अहम ऐसे है और यहाँ पे अहम ऐसे क्यों है, तो ये अनुस्वार जो होता है स्टूडेंट, अनुस्वार मनुस्वार, यही म यहाँ बन जाता है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो ख ऑप्शन पहले ही हमने काट दिया कि ख ऑप्शन तो नहीं होगा। अब त्वा आप पढ़ेंगे यहाँ से, तो त्वम प्रथमा विभक्ति में होता है और त्वा तृतीय विभक्ति में होता है, तो सर त्वा तो आंसर आ रहा है तृतीय विभक्ति में, तो त्वा ऑप्शन को हम पहले सही मार के चलेंगे, अभी भरेंगे नहीं, अभी सारे ऑप्शन को क्लियर कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट ग देखेंगे मया, तो मया भी अहम का ही तृतीया विभक्ति है, तो मया भी तृतीया विभक्ति में है, तो ये भी भरा जा सकता है, तो क भी भरा जा सकता है, ग भी भरा जा सकता है, लेकिन अब हम तय करेंगे कि कौन भरा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये एक वार्तालाप है, दो दोस्तों के बीच बातचीत चल रही है। अब देखिए जब ऊपर आप पढ़ेंगे शोभनम त्वम, आप डैश की लिखसी अपि लिखसी किम, मतलब यहाँ पे निबंधनम तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तो अभिनव जवाब देगा कि तुम तू गणेश अभ्यास क्रियते, नहीं अभिनव पूछेगा अगर मैं त्वा भरता हूँ, त्वा का मतलब होता है तुम गणित का अभ्यास कर रहे हो, नहीं, तो ये जवाब अभिनव दे रहा है। अगर मैं पूछूँ राहुल तुम होमवर्क कर रहे हो, तो आप क्या देंगे जवाब, हाँ सर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, ये तो नहीं कहेंगे हाँ सर तुम होमवर्क कर रहे हो, तो यहाँ पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे जवाब मैं में होगा, इसलिए मया ऑप्शन हो, मया का मतलब होता है मैं, अहम का ही रूप है मैं, मैंने, तो वो वहाँ पे अर्थ चेंज होता है, तो मैं मया ऑप्शन होगा, न मया तू गणितस्य अभ्यास क्रियते, समझे स्टूडेंट। तो तृतीय व्यक्ति में तो त्वा भी है मया भी है, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, मया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप निबंधम का निबंध लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभिनव कहेगा कि हाँ मैं निबंध लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ, नहीं मैं गणित का अभ्यास कर रहा हूँ, तो मया होगा। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि तुम गणित का अभ्यास कर रहे हो। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहाँ पे रहेगा आयुष सर, आयुष सर राहुल तुम निबंध लिखने का अभ्यास कर रहे हो, तो आप कहेंगे ना सर, ना मतलब नहीं सर मैं गणित का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं संस्कृत का अभ्यास कर रहा हूँ, ये बोर्ड वाला बड़ी बदमाश है, खचरा है, यहाँ पे संस्कृत लिखना चाहिए, गणित को घुसा दी, तो संस्कृत का अभ्यास कर रहा हूँ, तो मैं, तो इसलिए मया भरेंगे, त्वा नहीं भरेंगे, और अहम तो भरेंगे नहीं क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है। इस टाइप से स्टूडेंट हम वाच्य के क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन हमारा वाच्य का नहीं छूटेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए, और स्टूडेंट अभी क्वेश्चन कहाँ से करने हैं तो उसके बारे में बता दूँ, दो चार क्वेश्चन का मैं आपको PDF दे दूँगा, तो उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन स्टूडेंट सभी